नमस्ते। इन पिछले दिनों में इतना शोर हो गया कि मैं तो अपने आप को भी सुन नहीं पाई, और इस शोर में मुझे लगा कि एक बहुत अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज शायद खो गया, और वो था वी आर नॉट अगेंस्ट 5G। वी आर नॉट अगेंस्ट 5G, इन फैक्ट वी आर वेलकमिंग ऑफ इट। आप प्लीज जरूर लेकर आइए। ऑल वी आर आस्किंग इज that the authorities, they certify 5G safe. हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि please आप certify कर दीजिए, अपनी studies इस पर, research इस पर public domain में publish कर दीजिए, ताकि हमारा ये जो डर है ये निकल जाए, हम सब लोग जाकर आराम से सो जाए। We just want to know that it is safe for children, for pregnant women, for unborn children, for people who are old, infirm, for flora, fauna, ये सब सही है, safe है, बस। That is all we are asking. That is all we are asking. तो आज सुबह मैंने कुछ ट्वीट्स पढ़ी। Thank you, कुछ लोगों ने मुझे हिम्मत दी, मुझे सराहा, मुझसे कहा कि मैं सही कुछ काम करने जा रही हूं। एंड फिर कुछ मीम्स पढ़े मजा आ गया भाई, क्रिएटिविटी की तो दाद देनी पड़ेगी मुझे हमेशा लगता है कैसे कितना जल्दी सब टेढ़ा मेढ़ा सोच लेते हैं लोग। वेल चलिए, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी क्या कमाल था। हाँ, जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। 5G सूट जो कि फाइल हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में, तो हाँ, कुछ लोगों ने ये कहा कि आप अभी अभी जाग गई हैं और सूट फाइल कर दिया, तो उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आज नहीं जागी हूँ, मैं पिछले 10 साल से रेडिएशन, सेफ सेल फोन यूज, सेल फोन टावर रेडिएशन, इनके बारे में मैं बातें करती रही हूँ, और मैंने इनके बारे में जितना हो सके मैंने जानकारी फैलाई है। और क्यों किया? क्योंकि भाई हमारे फोन्स ना मैजिक पर तो नहीं चलते, वायर तो है नहीं, तो ये रेडियो वेव्स पर चलते हैं, और ये रेडियो वेव्स बढ़ती ही जा रही है हमारे एनवायरनमेंट में। 1G से 2G, 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से अब 5G। अब 4G to 5G is a very big leap, very big leap. Radiation will increase exponentially. देखिए, you know it, कि everything in moderation is fine, मगर जब जरूरत से ज्यादा हो जाए ना, तो फिर उसका दुष्परिणाम पता चलता है। Then you feel the ill effects of it. And to put it simply, I'll give you some simple examples. कि कोई pharmaceutical drug भी introduce होती है ना market में, तो उसे 10 से 15 साल तक उस पर research की जाती है, उसके side effects देखे जाते हैं, and then it finally gets approval to be released in the market. मगर ये रेडिएशन, ये जो 20-25 साल से हम पर फैलाई जा रही है, फैलती जा रही है, हमारे इर्द गिर्द है, इस पर किसी ने स्टडी किया या नहीं? बस ये कुछ सरल से ऐसे एग्जांपल मैंने दिए फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बट चलिए, आपके हाथ में भी टेक्नोलॉजी है, मैं भी इसे यूज करती हूँ, आप भी थोड़ी सी रिसर्च करिए, है ना, और देखते हैं आपको क्या मिलता है इसके बारे में। रीड अबाउट इट अ लिटिल मोर, एंड आई होप that you are convinced and you join me. ये केस अभी शुरू हुआ है, so 2 जून को हमारी पहली हियरिंग है, लिंक भेजूंगी, हो सके तो ज्वाइन कर लीजिए, सुन लीजिए, देख लीजिए, और अभी रास्ता लंबा है, so I hope you will join me. And जो memes बनाते हैं ना, उनको मैं thank you भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारे लोगों ने, और लोगों ने ये बात जान ली और
ये बात बहुत लोगों तक पहुंच गई. सो ठीक है, कीप इट कमिंग, लेट्स एंजॉय द राइड, सी यू.